जो भी यहाँ के नेता हैं मेला खरीदते हैं, अपना मुनाफा खोजते हैं, शंकर भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं करते, मंदिर में कुछ भी विकास नहीं करते, विकास नहीं करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, अभी हम है धरारुआ प्रखंड के सोनबाई पंचायत में और बीर जगह पे है, बीर गांव करके इस जगह का नाम है। और यहाँ पे जो भगवान महादेव का मंदिर है, चूंकि कल से शिवरात्रि प्रारंभ हो रही है, शुरू हो रही है, तो कल से यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ लगने वाली है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो आइए दिखाते हैं, पहले आप दर्शन कर लीजिए कि यहाँ पे जो महादेव जी विराजमान है, काफी लंबा शिवलिंग है और ये प्राचीन काल से बना हुआ मंदिर है। आप देख रहे हैं कि अभी कबूतर बैठा हुआ था, और देख लीजिए नीचे से लेकर के मतलब एक छोटा बच्चा का हाइट का यहाँ पे शिवलिंग है, जो कि काफी प्रसिद्ध है, काफी पौराणिक है। यहाँ की मान्यता बहुत सारी है कि जिनका शादी नहीं होता है वो यहाँ पे आकर के पटमौरी चढ़ाते हैं तो उनका शादी जो है लग जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका शादी जो है मतलब नहीं लगता है, रिश्ता लगता है तो कट जाता है, लेकिन यहाँ पे मान्यता है कि वो जो है यहाँ पे पटमौरी चढ़ाते हैं तो उनका शादी जो है फाइनल हो जाता है, ऐसी कुछ मान्यता है। और यहाँ पे अभी जो देख रहा है, पहले दरवाजा जो है इधर हुआ करता था लेकिन इसे बंद कर दिया गया है और दरवाजा उधर है। ऊपर में आप देख रहे हैं कि अभी चांदनी का जो है काम चल रहा है, चांदनी टांगने का काम चल रहा है। यहाँ पे बीर मंदिर में 3 दिन का मेला लगता है, कल से मेला शुरू हो जाती है और कल है 18 फरवरी, 18 फरवरी को मेला शुरू हो जाएगा, 19 फरवरी को यहाँ पे बहुत भव्य मेला लगता है और जिसके लिए यहाँ पे जो है तैयारी चल रही है, बहुत यहाँ पे मान्यता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे अभी देख रहे हैं बिल्कुल खाली खाली है, बिल्कुल सूना सूना लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जब पूजा प्रारंभ हो जाती है कल से इतनी ज्यादा भीड़ संख्या में होती है कि यहाँ बिहार से क्या, बिहार से अलग राज्यों से भी यहाँ पे लोग जो है पूजा करने के लिए आते हैं, चूंकि ये जो शिवलिंग है काफी बड़ा शिवलिंग है और इस मंदिर का काफी महत्व है। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आरती प्रारंभ हो गई, छोटा बच्चा एक है, बच्ची जो महादेव जी का आरती कर रही है। होता है अभी साफ सफाई उतना आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही कल मॉर्निंग हो जाएगा, मॉर्निंग तक जो है पूरा जो मंदिर का साफ सफाई कंप्लीट हो जाएगा और ये मंदिर जो है सभी के लिए खोल दिया जाएगा। ये जो गेट देख रहा है, इस मंदिर में 3 गेट है, एक इस साइड से गेट बनाया गया है, एक उस साइड से गेट बनाया गया है और एक गेट जो जहाँ से मेन एंट्री होता है ये गेट बनाया गया है। अभी देख लीजिए मंदिर में सजावट का काम जो है चल रहा है, देखिए लाइटें लगाई जा रही है। सामने जो आप देख रहे हैं मंदिर का मुख्य गेट है और इधर देख लीजिए मंदिर का पूरा परिसर है, यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के और चारों तरफ का परिसर आप देख लीजिए कितना बड़ा मंदिर। और जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे दुकानें सज जाती है, मैं आपको नीचे से उतर कर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इधर से भी गेट बनाया गया है और देख लीजिए नीचे जब उतरते हैं तो यहाँ से ये मंदिर का जो परिसर है शुरू होता है। यहाँ पे आपको राधे कृष्ण का मंदिर दिख जाएगा जो देखते हैं आप, और यहीं से जो है गली मेन रास्ता है आने का, जब मेन रोड से आप आएंगे यहाँ पे कुआं भी बनाया गया जहाँ से लोग जल लेते हैं और जल लेकर के भगवान भोले पे शंकर भगवान पे अर्पित करते हैं। और ऊपर में जो है अभी लाइटें लगाई जा रही है, लाइट जलाया नहीं गया है, कल का तैयारी जो है कंप्लीट हो गया है। इधर देखिए मैं उचलता हूँ उधर, इधर आप जो भी देख रहे हैं एरिया, इधर कल जब आप आएंगे तो पूरा दुकानें सज जाती है, एक चलने का जगह नहीं होता, चूंकि ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है और पूरे इंडिया से यहाँ पे मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी हम मंदिर का परिसर आपको दिखाए, इस मंदिर के अगल बगल भी बहुत सारे मंदिर है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि मंदिर का क्या विशेषता है, आखिर क्या महत्व है, लोग यहाँ पे दूर दूर से क्यों आते हैं बताइए। मंदिर की विशेषता यही है कि शंकर भगवान के मंदिर है, ठीक है, शंकर भगवान के मंदिर है तो वो पश्चिम दिन रहते हैं पूर्व दिन रहते हैं, ठीक है, लेकिन एगो बराती वाला था वो जीव काट के कहा था कि हम चढ़ा देंगे आप पश्चिम दिन हो जाएगा तो। अच्छा, पहले ये शिवलिंग जो है देख रहे हैं, शिवलिंग के बात बोल रहे हैं, अच्छा शिवलिंग के बात बोल रहे हैं, ठीक है, तो बोला कि मैंने पश्चिम दिन हो जाएगा तो शंकर भगवान से बोला, हाँ शंकर भगवान से बोला, अच्छा शंकर भगवान पश्चिम दिन हो गए, अच्छा वो आके जीव काट भी दिया गेट इधर, लेकिन देखिए गेट आगे जो है अगर आप देख सकते हैं उधर गेट भी बनाया गया, गेट बनाया हुआ है, गेट बनाया हुआ, हाँ गेट होना तो था लेकिन आप गेट जो है, हाँ पश्चिम दिन हो गए उसके बाद में आगे जी भी काटा लेकिन वो बेचारा बच गया, कोई दिक्कत ना हुआ। शंकर भगवान के पास जो भी अपना जो भक्त हैं वो कुछ बोलकर जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो लोग आते हैं अपने शंकर भगवान की पूजा करते हैं और बहुत सारे भीड़ लगता है महाशिवरात्रि के दिन। अर्जुन दरोगा एगो थे, उनका बाल बच्चा ना हो रहा था, बहुत ही हो गए थे, सही बात है, लेकिन जितना ये जो है ना
जितना ये जो ढलैया मार्बल जो है ना उनका बनावा हुआ है। अच्छा, उनका बनावल है। अच्छा, इस मंदिर का विकास में हाँ, उनका के गए ना हाँ। उनका ये उम्र ढल गया था, लेकिन वो बोले कि हमारा बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद में उनका बच्चा हुआ। सही बात, बच्चा हुआ, इनका कृपा है कि बच्चा हुआ। सारा बनावल उनका अर्जुन दरोगा थे, अच्छा दरोगा थाना में आए थे, उनका बनाया हुआ। कुल मिलाकर बात ये है कि जो भी यहाँ पे मान्यता मांगते हैं, जो भी मनोकामना मारते हैं, पूरा हो जाता है, यहाँ पे ऐसी आस्था है। सर एक ये भी बात है कि यहाँ पे जो भी मतलब कि भगवान शंकर का मूर्ति है, ठीक है, जो भी होता है इनके वजह से होता है, मेला भी लगता है भीड़ में, इन्हीं के वजह योगदान है, इन्हीं का योगदान। जो भी यहाँ के नेता है मेला खरीदते हैं, अपना मुनाफा खोजते हैं, शंकर भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं करते, मंदिर में कुछ भी विकास नहीं करते, विकास नहीं करते हैं, नहीं, देते। नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। मंदिर में मंदिर के ऊपर देख लीजिए, एक भी लाइट तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर इनके इनके कार्यकर्ता देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि जो भी यहाँ पे फंड आता है करना चाहिए, मंदिर का भी विकास होना चाहिए, यहाँ पे अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। कल से यहाँ पे 3 दिन का मेला लगने वाला है और मंदिर के अगल बगल में बहुत सारे मंदिर है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यह मेला जो है काफी प्रसिद्ध है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, एक बार कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिएगा हर हर महादेव। तो देखिए मेला सजा हुआ है, यहाँ पे रात है इसलिए मैं आपको मेला का व्यू नहीं दिखाया। पूरा मार्केट सज जाती है, हर जगह प्रसाद, हर जगह पूजा का सामान, और झूला वूला भी लगा हुआ है पूरा का पूरा। तो देख लीजिए बाइक वाले जो है स्टंट कर रहे हैं, और ये मेन रोड है, नाइट है, इसका आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, वही दिन में आप आएंगे तो आपको अच्छे से रास्ता भी समझ में आ जाएगा। और बीर जो बाजार है वो आगे, और यहाँ से रास्ता जाती है।